नमस्कार, देश के बात में हाजिर हैं। पहले बात दिल्ली की। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जंगपुरा के एक घर में हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कल रात पुलिस को घर के भीतर चाकूबाजी की खबरें मिली। पुलिस ने पहुंचकर दीपक नाम के घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन पुलिस ये नहीं देख पाई कि उसी घर में एक और शख्स घायल पड़ा है। अगली सुबह वहां कमल नाम के एक आदमी का शव मिला है, उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। ये मकान मेघालय के एडवोकेट जनरल अमित कुमार का है, जिनके यहां दोनों काम करते थे। एडवोकेट जनरल अमित कुमार ने भी एक पत्र में इस घटना की जानकारी दी। और इस पर आइए और जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी मुकेश सिंह सिंगर के पास। मुकेश, क्या ये पूरा मामला है? देखिए, जंगपुरा एक्सटेंशन में मेघालय के एडवोकेट जनरल अमित रहते हैं, जो कि 6 दिन पहले अपने घर मेघालय चले गए थे और कल रात में उनके घर में दो लोग घुसे। उनका जो घर है वो सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर में है। सेकेंड फ्लोर में उनका जो बेटा है और उनके जो पिता हैं वो रहते हैं साथ में उनके, और थर्ड फ्लोर पर जो उनके कर्मचारी हैं वो रुकते हैं और ऊपर एक सर्वेंट क्वार्टर है। तो पुलिस के मुताबिक कल रात में दो लोग आए और पहले उन्होंने उनका जो नौकर है दीपक उस पर हमला किया, और उस पर हमला करने के बाद जो उनका कुक कमल था उस पर उसका गला घोंट दिया। गला घोंटने के बाद उसका जो शव था वो थर्ड फ्लोर के ऊपर छत में जो बेड पड़ा हुआ था बेड के बॉक्स में डाल दिया, और जैसे ही दोनों हमलावर बाहर निकल रहे थे उसी वक्त अमित के पिता और उनका बेटा गेट पर आ गया, क्योंकि उनको कुछ लग रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो जैसे ही वो गेट पर आए तो दोनों हमलावर उनको पिस्टल दिखाते हुए वहां से भाग गए। इसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड है सोसाइटी का उसने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने जो दीपक उनका जो घरेलू कर्मचारी है उसको अस्पताल पहुंचाया, क्योंकि उसको चाकू मारे गए थे, और पुलिस उसके बाद चली गई। लेकिन अगले दिन सुबह पुलिस फिर पहुंची और जब पूरे घर का सर्च ऑपरेशन किया तो बेड बॉक्स के अंदर कमल का जो शव है बरामद किया गया। कमल के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके चाकू मारे गए थे। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और पूरी घटना की जानकारी एडवोकेट जनरल अमित को दी। अमित ने पुलिस को बताया कि दरअसल कुछ दिन पहले करीब 15 मई को उन्होंने अपने एक और जो घरेलू कर्मचारी था उसको नौकरी से निकाल दिया था, क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा नहीं था और उनको इस बात का शक है कि वही अपने साथी को लेकर घर में आया और उसने कमल को पहले मारा और उसके बाद फिर उसने दीपक को घायल किया। तो पुलिस के मुताबिक जो घरेलू कर्मचारी था जिसने हमला किया है उसका मकसद था एडवोकेट जनरल को मारना, लेकिन जब वो नहीं मिले तो उसकी उनके नौकरों से कहासुनी हो गई और इसके बाद उसने उनके घरेलू कर्मचारी पर हमला कर दिया, उनके कुक पर हमला कर दिया, जिसमें कुक कमल की मौत हो गई जबकि जो घरेलू कर्मचारी जो दीपक है वो इसमें घायल हो गया। तो पुलिस की कई टीमें इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया है और कई टीमें रेड्स कर रही हैं आरोपी को पकड़ने के लिए, लेकिन अब तक उनके बारे में कोई सुराग नहीं लगा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए मुकेश। आप मामले पर नजर बनाए रखें। और दिल्ली से एक और चिंताजनक खबर आ रही है। दिल्ली में बारिश के बाद करंट से मौत का एक और मामला सामने आया है। 17 साल के सोहेल बेंगलुरु का है और 1.5 महीने पहले वो दिल्ली में अपने मामा के पास घूमने आया था। रात को वो मामा के दोस्त जमाल के घर सोता था। रविवार सुबह 5 बजे वो जमाल के घर से अपने यहाँ आने के लिए चला। गली में पानी था जिसमें बिजली का तार टूटकर गिरा हुआ था और उसमें करंट था। पानी में पाव डालते ही वो गिर गया। लोग मदद के लिए पहुंचे लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ये मामला न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास तैमूर नगर का है। इससे पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक लड़की की भी करंट लगने से जान चली गई थी। तो बारिश में आप निकले बाहर तो ध्यान रखें कि कहीं खुला तार ना मिल जाए। बहरहाल, अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश की, जहां पर प्रधानमंत्री अपने दौरे पर रहे, आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2014 और 2019 से ज्यादा बेचैनी इस बार विपक्ष में दिख रही है। प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर विपक्ष को घेरा और कहा कि देश का भला तुष्टीकरण से नहीं बल्कि संतुष्टीकरण में है। प्रधानमंत्री मोदी ने समान नागरिक संहिता की भी खुलकर वकालत की और कहा कि देश दो कानूनों पर कैसे चल सकता है।
ये मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। जो भी तीन तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, तीन तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर तीन तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। वहीं विपक्ष सरकार पर हमलावर है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म डायवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में मुफ्त बस सेवा की शुरुआत महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है। बीते 15 दिनों में ही महिलाओं ने 8.5 करोड़ बार मुफ्त में बस की सेवा ली है। इसका किराया लगता तो 200 करोड़ के पार जाता है। बसें खचाखच भरी हैं, इतनी भीड़ कि कंडक्टरों को टिकट काटने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। राज्य परिवहन की बसों में भीड़ बेकाबू है। इसको क्या झगड़ा कहा जाए, सीट को लेकर के खींचतान होती है, बहस होती है, सीट लेने के लिए लोग कंपटीशन करते हैं। क्राउड जास्ती है, भीड़ इतनी कि बैठने के लिए धक्का मुक्की और कभी कभी हाथापाई। मैंने पूरा बेंगलुरु घूम लिया, थोड़ी भीड़ तो है और लगे हाथ रायचूर भी घूम आई। वैसे तो आराम है लेकिन सीट को लेकर दिक्कत होती है, एडजस्ट करते हैं। सरकार की शक्ति योजना के तहत छात्रों और कर्नाटका की महिलाओं के लिए पूरे राज्य में बस यात्रा मुफ्त है। 11 जून यानी जिस दिन इसकी शुरुआत हुई तब से 26 जून तक महिलाओं और छात्रों ने 8.25 करोड़ बार मुफ्त बस यात्रा की। अब इसका 200 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार परिवहन निगम को करेगी। इस योजना पर सालाना 4000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। धार्मिक स्थानों की दिशा में जाने वाली बसों में भीड़ ज्यादा होती है, ये हमने नोटिस किया है।
हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हालात सामान्य हो जाएं। सरकार का मानना है कि जल्द ही हालात बेहतर होंगे। चूंकि योजना हाल ही में शुरू हुई है इसलिए आपाधापी मची है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की। यहाँ गांव में अकेली बिना बिजली के रह रही एक महिला के घर बिजली की सौगात पहुंचाई स्थानीय पुलिस ने। पुलिस चौपाल में 70 साल की महिला बिजली की गुजारिश करने पहुंची थी। वो बहुत गरीब थी, अकेले रहती थी। पुलिस ने बिजली विभाग से बात कर महिला को बिजली कनेक्शन दिलवाया। घर बिजली पहुंचते ही महिला का चेहरा खिल उठा और सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया है। महिला को पंखा और बल्ब पुलिस ने अपने निजी फंड से दिया है। तो जब हम ग्राम खेड़ी पहुंचे अगौता थाना क्षेत्र में, तो वहां लोगों को जब आप उनसे बोलो परेशानी क्या है, तो लोग ये नहीं देखते कि कौन से विभाग का आदमी सामने खड़ा है, वो ये देखता है कि अधिकारी सामने खड़ा है और मैं इसको अपनी बात कहूंगा तो ये मेरी समस्या सुलझा देगा। तो जब उन्होंने कहा कि मेरी कोई समस्या नहीं है, मुझे बस बिजली चाहिए, तो ये उस समय बिल्कुल उचित नहीं लगा कि हम उनसे कहें भाई ये बिजली विभाग का काम है, आप बिजली विभाग में जाइए, पुलिस का कोई लेना देना नहीं। एक मेरे सीनियर ऑफिसर कहते हैं सेल का जैसे था कि देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्टील इन एवरीथिंग, वैसे ही देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ पुलिसिंग इन एवरीथिंग। तो उनके घर बिजली लाने से अपराध पे भी अंकुश आता, वो तमाम तरह की चीजें हैं। जब वो हमारे पास आ गई तो हमने ये प्रण लिया कि जो भी है हम कोशिश करेंगे और इनके घर में बिजली लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री अमेरिका से वापस आ गए। अब सवाल यह है कि जो करार वहां पर हुए हैं वो कितने कारगर हैं। इन्हें भविष्य की तकनीक साझेदारी बताया जा रहा है। सेमीकंडक्टर पर करार गेम चेंजर बताया जा रहा है। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग होते हैं और जिस पर चीन का वर्चस्व एक तरह से रहा है। माइक्रॉन का चिप प्लांट सानंद गुजरात में शुरू हो रहा है। पहला चिप दिसंबर 2024 तक तैयार होगा। 10 वर्षों में 60,000 नौजवानों को चिप इंजीनियरिंग में ट्रेनिंग दी जाएगी। करार तो और भी हुए हैं। दूर संचार पर 2 साझा टास्क फोर्सेस हैं। एआई और क्वांटम तकनीक में 20 लाख डॉलर का अनुदान होगा। रिसर्च के क्षेत्र में 35 साझा कार्यक्रम हैं। साझा इसरो नासा स्पेस मिशन होगा। भारत सी गार्डियन ड्रोन खरीदेगा भी। तो प्रधानमंत्री का अमेरिका यात्रा से हासिल क्या हुआ है, हमारे साथ आपको बता दें 2 खास मेहमान हैं। मोहनदास पाय प्रमुख हैं ARIN कैपिटल के, और डॉक्टर सुबी चतुर्वेदी टेक पॉलिसी विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मिस्टर पाय, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि अमेरिका दौरे से क्या ठोस माना जाए हासिल हुआ है, क्योंकि विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, ओवरऑल जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट था वो बहुत डिफरेंट था, क्योंकि पहली बार इतना रेस्पेक्ट भारत को मिला है। रेस्पेक्ट मिला है क्योंकि जियो पॉलिटिक्स चेंज हुआ है। अभी यूएस का सबसे बड़ा थ्रेट है चाइना, पहले था रशिया, अभी चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है। पेंटागन और उनके डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट और CIA के लिए चाइना ही सबसे बड़ी टेस्ट हो गई है, और इसलिए यूएस ने क्वाड किया था जहां यूएस, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी मेंबर्स है। और क्वाड इसलिए किया था क्योंकि करीब 80% चाइना का जो ऑयल इंपोर्ट है वो पर्शियन गल्फ से आता है और वो शिपिंग लाइन भारत के पास जाता है। अब भारत के पास एक अच्छी नेवी है, इसलिए अगर कुछ हुआ चाइना के साथ ये तो बहुत बड़ा एक थ्रेट हो सकता है चाइना के लिए। सो क्वाड बनाया गया, और चाइना जो ताइवान को थ्रेटन कर रहा है उससे भी क्वाड बना गया,
और इसलिए भारत का इंपॉर्टेंस यूएस के लिए ज्यादा हो गया है, वो पहली बार है। दूसरी बात है कि अभी जीडीपी तो 3.4 ट्रिलियन हो गया है, करीब 2032-2033 में 10 ट्रिलियन हो जाएगा। भारत अब सबसे बड़ी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जीडीपी फिफ्थ लार्जेस्ट है, अच्छा ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी है, और इसलिए वो चाहते हैं कि भारत का मार्केट एक्सप्लॉइट करे और यूएस से ज्यादा बिजनेस धंधा करे। और तीसरी बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी किया है, जब यूक्रेन का वो बैटल हुआ था जो हो रहा है, कि हम रशियन ऑयल लेंगे क्योंकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ी है। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा है कि जो यूक्रेन का बैटल है वो तो एक यूरोपियन प्रॉब्लम है, दुनिया का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम, आप ही ठीक करो। पहली बार किसी देश ने वेस्ट माने कि यूएस और यूरोप को ऐसा बात किया है कि आपका समस्या आप ही हल करो, आपकी समस्या हमारा समस्या नहीं है। ठीक है, अब ये आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। सुबी हमारे साथ मौजूद है। सुबी, आप जरा हमें समझाइए, जो तमाम करार सामने हुए हैं सबसे अहम इसमें क्या, और जो हमारे युवाओं को, देश में अपने युवा हैं उनको फायदा हो, कौन सा करार आप देख रहे हैं उस दिशा में है? निधि, सबसे पहले टेक्नोलॉजी से मेरा अगाध प्रेम रहा है और मैं भारत के देशवासी की तरह बात करूंगी। ये बहुत गर्व और आत्मीयता सौहार्द के साथ जो हमने इतना बड़ी जीत हासिल करी है, पहले तो ये एक ऐतिहासिक समय है हमारे लिए। आपके देश का प्रधानमंत्री जब कहीं जाता है तो हमेशा ये आप चीजों में गिनने की कोशिश करते हैं कि वो क्या लाए। ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो हमने इस बार हासिल करी। बहुत अच्छी तैयारी के साथ हम वहां पहुंचे, बिजनेस ने बहुत अच्छी प्रेपरेशन करी, यूएस इंडिया सीईओ फोरम ने 7 वर्किंग ग्रुप्स के तहत काम किया, देश के सारे एसोसिएशंस और चेंबर्स ने एकजुट होकर काम किया। सिर्फ अगर हम माइक्रोन की बात करें जो सेमीकंडक्टर का करार हुआ है, वहां सनात में एक बड़ी फैक्ट्री सेटअप होगी जो चिप्स की पैकेजिंग, अभी हम उससे शुरुआत करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग की बात अभी तक नहीं पहुंची है, पर ये जो सांकेतिक हमारी विजय है जिससे हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, आईसेट के हमारे 4 महत्वपूर्ण पिलर्स हैं जिसमें हमने स्पेस की, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करी, डीप टेक्नोलॉजी की बात करी, क्वांटम एआई पे कोऑपरेशन की बात करी। निधि, इसका स्वरूप हमें इस दृष्टि से देखना पड़ेगा कि 2008 में इनमोबी पहला यूनिकॉर्न बना और उसके बाद सारे देश दुनिया में हम अग्रसर हैं, व्याप्त हैं, और पहली बार भारत टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर रहा है। हम सिर्फ कंज्यूम नहीं कर रहे, हम बैक ऑफिस जॉब्स नहीं कर रहे, तो हम जब आगे देश में जाते हैं तो सिर्फ माइक्रोन की डील से डायरेक्ट 5,000 नौकरियों की बात हो रही है और 15,000 कम्युनिटी जॉब्स की बात हो रही है। बिल्कुल, यही जो चीज है मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो आप कह रहे हैं ना 5,000 जॉब्स क्रिएट होंगी, विपक्ष का सवाल है, लेकिन मिस्टर पाय से एक सवाल, 60,000 नौजवानों को ट्रेनिंग की बात मिस्टर पाय कही जा रही है, लेकिन जॉब्स कितने लोगों को मिलेंगी, जो भारत की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट होगा, आप क्या बताएंगे? ज्यादा मिल जाएगा, देखिए मैं तो कभी सुनता हूं दिल्ली स्टूडियो से कि भारत में जॉब्स नहीं है। अगर आप ईपीएफओ का डेटा देखते हैं, 1.2 करोड़ लोगों को जॉब मिल रहा है हर साल, आप डेटा देखिए, लोग डेटा देखते नहीं है दिल्ली में, वही समस्या है। जॉब्स मिल रहा है लेकिन 80% जॉब्स 25,000 रुपीज मंथली वेतन के कम है। प्रॉब्लम है कि जॉब्स का प्रॉब्लम नहीं है भारत में, वेतन का प्रॉब्लम है। अगर आप मनीष सबरवाल टीम लीज, उनके पास करीब 3.5 लाख एम्प्लॉइज है, उनको पूछेंगे वही कहेंगे, डेटा वही कहती है, ये सभी अभी जो सेमीकंडक्टर चिप के लिए इंडस्ट्री आती है, सब कुछ आती है, वो जॉब हो सकता है। देखिए, भारत के पास सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है, $10 बिलियन का प्रोग्राम है, लेकिन हमको एक विषय ध्यान में रखना पड़ेगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर चिप में हमको नहीं मिलेगा। फॉस्कॉन के पास नहीं है, वेदांत के पास नहीं है, टीएसएमसी के पास है, करीब इंटेल के पास हो सकता है, और एक यूके कंपनी के साथ हो सकता है, दूसरे लोगों के पास नहीं है। हमको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगा, हमारे पास उतना सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए भारत को सेमीकंडक्टर चिप पैकेजिंग इंडस्ट्री में करना है,
इसलिए वो माइक्रॉन का जो प्रोजेक्ट है $800 मिलियन का प्रोजेक्ट गुजरात को जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक बड़ा पैकेजिंग इंडस्ट्री कर सकते हैं तो चिप इंडस्ट्री भी आगे आ सकती है। लेटेस्ट नहीं होगा लेकिन एक जनरेशन पीछे होगा, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है आप कह रहे हैं। सुरभि आप जरा ये समझाइए, विपक्ष का एक सवाल है, आरोप भी है, वो कह रहा है कि कांग्रेस की तरफ से आरोप है कि रीजनेबल नहीं है जो ये हुआ है, रिसोर्सेज टैक्स पेयर का जो पैसा है उसका मिसयूटिलाइज हो रहा है और हम भी खुद इसमें इन्वेस्ट करेंगे $2 बिलियन के करीब और 2 बिलियन लगाकर हम 5,000 जॉब्स देंगे, मतलब $4 लाख या करीब 3.2 करोड़ रुपए एक जॉब के लिए, अगर एक कॉस्ट ऑफ वन एम्प्लॉयमेंट, तो ये कितना कारगर है? ये एक सवाल आया है कांग्रेस की तरफ से, ये सवाल है। निधि देखिए, आई एम श्योर जो पार्टी है देश की उनके स्पोक्स पर्सन इसको एड्रेस करेंगे, बट मैं इसे एज अ स्टूडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सोसाइटी की तरह देखती हूँ। जब आप हायर टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं, जो सिंगापुर की नीति रही कि हम चिप्स के लिए चिप्स बनाएंगे, टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी बनाएंगे, इंडिया के पास, और ये न सिर्फ भारत का दशक है, ये एशियन सेंचुरी कहलाई जा रही है, हम इस वक्त क्या बिल्ड कर रहे हैं हमें इसे पूर्णतः स्वरूप में देखना पड़ेगा। सनात में ये जो एक्सपेरिमेंट की तरह आप देख रहे हैं, मोहनदास पाई जी ने भी जिक्र किया कि आप पैकेजिंग और जो उसके इंटरवेंशंस है, केसिंग है, अभी एक जनरेशन पीछे भले ही हम हो बट आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं नींव रखने की, तो इसे एब्सोल्यूट कॉस्ट की तरह ना देखा जाए। जो इंडिया की नेचुरल स्ट्रेंथ है, आपके पास कल्चर है, क्रिएटिविटी है, वास्ट इंजीनियरिंग टैलेंट है, पर अगर उस आप इंजीनियरिंग टैलेंट को फ्यूचर की दिशा में नहीं मोड़ेंगे, प्रगति की दिशा, दृष्टि, गंतव्य तीनों अगर आप आज से नींव नहीं रखेंगे तो वो एक्सपेरिमेंट कभी कारगर हो ही नहीं सकता। तो मैं इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखती हूँ, उसी तरीके से जिस तरह आप स्पेस की नीतियां रखते हैं, आप आर्टेमिस अकॉर्ड की बात कर रहे हैं, उसी तरह आज हम चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इस वक्त कोई ऐसी डिवाइस नहीं है, चाहे आपकी घड़ी हो, चाहे माइक्रोवेव हो, जिसमें चिप्स ना हो, और उसमें किसी एक देश का या व्यक्ति विशेष का सिर्फ स्वामित्व होना उसको तोड़ने की कोशिश है। तो मेरे लिए तो ये बहुत गर्व की बात है, और ना सिर्फ हम एक फैक्ट्री लगा रहे हैं माइक्रॉन की, हम एआई लैब्स लैम्स के थ्रू बहुत सारे और इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, डीप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इससे एक पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है जिससे आप दुनिया भर की कंपनियों को ये दिखा सकते हैं कि जो हमारी संवेदनाएं हैं कि आप, या हमारी शंकाएं हैं कि बिजली ठीक से मिलेगी कि नहीं, लगातार पानी की अवेलेबिलिटी होगी कि नहीं, ये अश्विनी जी ने भी कहा, राजीव चंद्रशेखर जी ने भी कहा, जो खुद इनिशियल इंटेल की टीम में भी रह चुके हैं, कि ये हम गारंटीज दे रहे हैं, और आज से 10 साल के भीतर आप देखेंगे कि इंडिया का फैब मैन्युफैक्चरिंग का जो हमारा लक्ष्य है वहां तक हम पहुंच सकेंगे। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि ये जो युवा पीढ़ी है इसको आप उड़ना सिखाएं, इसे आप देखना सिखाएं, इसे आप ये ना कहें कि आप सिर्फ इसी तरह के इंजीनियरिंग रोल्स कर सकते हैं या आप सिर्फ प्रोसेसिंग जॉब्स कर सकते हैं, बिल्कुल, उसकी नींव रखी जाए। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी सुरभि, अभी और भी सवाल हैं। मिस्टर पाई, भारत का जो चिप बाजार है, कहा जा रहा है अगले 3 वर्षों में $63 अरब पहुंचने के आसार हैं, कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है? देखिए, चिप को अगर एक अच्छा चिप इंडस्ट्री करना है तो 20-30 साल लगेगा। हमको ये सब सुन के आश्चर्य होता है कि लोग सोते नहीं है। चिप का टेक्नोलॉजी इतना सोफिस्टिकेटेड हुआ है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्लान के लिए करीब 30-40 बिलियन डॉलर्स चाहिए। $40 बिलियन माने 3,20,000 करोड़, ऐसा चिप चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास कोई चिप इंडस्ट्री ही नहीं है। चिप इंडस्ट्री करने के लिए पहले पैकेजिंग इंडस्ट्री करना है, पैकेजिंग इंडस्ट्री के ऊपर एक करना है, बहुत साल लगेगा, 3 साल में ये सब नहीं होगा। हमको जो होगा कि पैकेजिंग इंडस्ट्री आ सकता है, उससे कुछ काम हो सकता है, बहुत बढ़िया होगा, वही अच्छा है, लेकिन ये TSMC जैसा हम एक चिप का सुपर पावर बनेंगे वो नहीं होगा। आपको पता होगा कि पिछले 1.5 साल से सरकार कह रही है कि चिप इंडस्ट्री करेंगे, कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो पैकेजिंग इंडस्ट्री को लाना है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करना है, बहुत साल लगेंगे, लेकिन हम ठीक रास्ते से चल रहे हैं।
ठीक है, आप कह रहे हैं पैकेजिंग इंडस्ट्री को लाना होगा, लेकिन चीन से मुकाबला करना है तो भारत अमेरिका साथ आए हैं, क्या असेसमेंट है मिस्टर पाए आपका इस क्षेत्र में? देखिए, चीन एक इकोनॉमिक सुपर पावर है। चीन का जीडीपी है $20 trillion, यूएस का जीडीपी है $23 trillion, भारत का जीडीपी है $3.4 trillion। भारत अगले 20 साल में भी एक चीन जैसा बड़ा इकोनॉमी नहीं होगा, हम बहुत पीछे हैं। हम हो गए करीब $10-12 trillion, 10 साल 15 साल में होंगे, वो तो अच्छी बात है, लेकिन चीन के पास जो सोफिस्टिकेटेड है टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। 31% ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चर चाइना के पास है। लोग कहते हैं कि चीन से आगे चलेंगे, मैं नहीं समझता कि चीन से आगे चलेंगे, दुनिया में हमारा स्थान हमको मिलेगा, हम एक बड़ा इकोनॉमी बन सकते हैं, थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल इकोनॉमी करीब 5 साल में बन सकते हैं, लेकिन सेकेंड बनने के लिए बहुत दूर है। हमको ये सब समझना पड़ेगा, हमारा स्ट्रेंथ जो है वो सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है, उसमें इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी जरूरत है। सुरभि, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके, अभी जो दौड़ है काफी लंबी है लेकिन शुरुआत मजबूत हुई है। बिल्कुल निधि, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ और मैं इस विजिट को बहुत ही ज्यादा सांकेतिक भी मानती हूँ और बहुत तथ्यों के साथ। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना सिर्फ एक सेक्टर में, आपने ईवी में 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट अनलॉक किया है, क्वांटम में, स्पेस में नए नए कोलैबोरेशन रचे हैं। मेरे लिए बहुत जरूरी था कि हम एक ट्रस्टेड एनवायरनमेंट की नींव रख सकें। जिस तरह सारी दुनिया ये कह रही है कि सूक्ष्म लघु इंडस्ट्रीज का ग्लोबल सप्लाई चेन्स में रोल होना चाहिए, उसकी तैयारी की नींव रखी गई है। यहां इंडिया से सारी कंपनियां यूएस की लार्ज कंपनियों के साथ मिलकर ये नींव तैयार करिए कि स्टार्टअप्स, एमएसएमईज किस तरह ग्लोबल सप्लाई चेन में उनका स्वरूप अंकित किया जा सके। उसी वजह से निधि, मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखती हूँ। हम 500 गीगावाट विंड, सोलर पावर, रिन्यूएबल एनर्जी की नींव रख के आए हैं और गुजरात का प्लांट किसी भी तरह से मेरे लिए एक कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये इससे हम बहुत कुछ सीखेंगे, इससे हम बहुत नए एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे। हमने वीजा को भी अनलॉक किया है और 6 जो हमारे WTO में आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे आउटसाइड ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, हम उन्हें रिजोल्व करने जा रहे हैं, चाहे वो स्टील हो, चाहे पोल्ट्री के इश्यूज हो। और ये हमें कभी नहीं बोलना चाहिए कि US हमारे कंट्री में नेट पॉजिटिव है। $40 बिलियन इंडियन कंपनीज यूएस में इन्वेस्ट करती हैं, तो आज हम इस पोजीशन में हैं कि हम वहां कंपनीज अक्वायर कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस चाहिए, कैसे इन दोनों का ट्रेड आप ज्यादा से ज्यादा अनलॉक कर सकते हैं और सबको अपने साथ लेके चल सकते हैं। इसलिए मेरे लिए तो आज बहुत ज्यादा गर्व का दिन है और मैं चाहूंगी कि जो स्ट्रेंथ है उसको हम और आगे लेके जाएं। बिल्कुल सुरभि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मिस्टर पाए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। तो दोनों एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि जो इस यात्रा के दौरान जो नींव रखी गई वो बहुत ठोस और मजबूत रखी गई। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो बात अब तेलंगाना की, यहां पर भी विधानसभा चुनाव जल्द होने वाले हैं। करीब 600 वाहनों के काफिले के साथ सोलापुर पहुंचे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मंगलवार को पंढरपुर में भगवान विट्ठल की पूजा की और शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक सभा को संबोधित किया, जिसमें एनसीपी के पूर्व विधायक भरत भालके के बेटे भगीरथ भालके को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया। इससे पहले भी बीआरएस ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर, औरंगाबाद, नांदेड़ और लातूर में कई नेताओं को शामिल किया था। केसीआर इन इलाकों के किसानों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और कई जगहों पर अब की बार किसान सरकार के नारों के बैनर भी लगाए गए हैं। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से केसीआर की नज़र महाराष्ट्र की तरफ है, उसे महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां बीजेपी के बी टीम का नाम दे रही हैं।
बात अब नक्सलवाद की। कभी जिन हाथों में बंदूक हुआ करती थी, आज कैमरे के सामने ये लोग ऑडिशन दे रहे हैं। ये सभी पूर्व नक्सली हैं जिन्होंने हिंसा छोड़कर पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिला नक्सल प्रभावित संवेदनशील जिला है। पुलिस और सरकार यहाँ नक्सलियों से मोर्चा लेने के साथ समर्पण करवाकर मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती रहती है। उनके लिए बस्ती बसाने से लेकर रोजगार दिलाने का भी काम करती रहती है। इसी क्रम में एक कदम आगे बढ़ते हुए अब गढ़चिरौली जिले में समर्पण कर चुके नक्सलियों को फिल्मों में अभिनय का मौका देने की भी कोशिशें हो रही हैं और इसी का प्रयास यहाँ पे हो रहा है। और इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।